नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। 31 मार्च को एक चैनल लॉन्च हुआ है, नाम है नमो टीवी। पीएम मोदी ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से इसकी घोषणा कर दी थी। इस चैनल के शुरू होने के साथ ही इसे लेकर बवाल भी शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नमो टीवी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। दोनों पार्टियों ने इस चैनल को बंद कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी पार्टियों को प्रचार का समान अवसर मिलना चाहिए। आयोग ने संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जवाब भी मांग लिया है। 4 अप्रैल को नमो टीवी को लेकर डीटीएच प्रोवाइडर टाटा स्काई ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में डीटीएच ने नमो टीवी को न्यूज़ सर्विस बताया। बाद में बवाल शुरू होने पर अपने बयान से मुकर गया। 1 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश वाले ऑफिस ने सभी जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी, लोकसभा संयोजक और लोकसभा प्रभारियों को एक लेटर लिखा। इस लेटर में नमो टीवी के शुरू होने के बारे में बताया गया और इसमें कहा गया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के निर्देशानुसार नमो टीवी के बारे में बूथ स्तर तक जानकारी दी जाए, सभी कार्यकर्ताओं को बताया जाए कि नमो टीवी शुरू हो गया है। नमो टीवी के बारे में ग्राहक के ट्वीट का जवाब देते हुए टाटा स्काई ने ट्वीट किया कि चैनल नंबर 512 यानी नमो टीवी है। यह एक हिंदी समाचार सेवा है जो राष्ट्रीय राजनीति पर ब्रेकिंग न्यूज़ उपलब्ध कराती है। डीटीएच प्रदाता ने यह भी कहा कि सभी ग्राहकों के लिए चैनल लॉन्च ऑफर के रूप में जोड़ा गया है। टाटा स्काई ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत चैनल को हटाने का कोई विकल्प ही नहीं है। हंगामा मचने के बाद चैनल के सीईओ हरित नागपाल ने स्पष्ट किया कि नमो टीवी हिंदी न्यूज़ सर्विस नहीं है बल्कि इंटरनेट आधारित सर्विस प्रोवाइडर है। यदि टाटा स्काई की तरफ से इसे न्यूज़ सर्विस बताकर ट्वीट किया गया है तो यह एक गलती है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक विशेष सेवा है इसलिए इसको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। 4 अप्रैल को टाटा स्काई के ट्वीट के बाद विवाद हो गया क्योंकि टाटा स्काई की ओर से जो बात कही जा रही थी वह सूचना प्रसारण मंत्रालय की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही थी। टीवी चैनल, चाहे वो न्यूज़ चैनल में हो या एंटरटेनमेंट चैनल, सूचना प्रसारण मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है रिपोर्ट्स में कि नमो टीवी चैनल नहीं है या विज्ञापन मुहैया कराने वाला प्लेटफॉर्म है। इसके खर्च को पार्टी के खर्च में दिखाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि संबंधित मंत्रालय इस पर सरकार का रुख साफ करेगा। इस समाचार चैनल पर दिखाया क्या जा रहा है ये भी जान लो। नमो टीवी पर पीएम मोदी के भाषण और बीजेपी से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। नमो टीवी पर सरकार प्रायोजित कार्यक्रम भी दिखाए जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि नमो टीवी को सरकारी विज्ञापन भी मिल रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो विज्ञापन चैनल है उसे सरकारी विज्ञापन कैसे मिल रहे हैं। डेविड ने दी लल्लन टॉक के लिए स्टोरी लिखी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और हमारा ऐप एंड्रॉइड पर उसको इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।